साल ही चले थे और वो अभी इस साल 2 अक्टूबर को पहुंचे हैं। इटारसी से चले थे, मुंबई पहुंचे हैं। नाम है राजेंद्र मालवी आलसी। मैंने पहले ही आपसे बताया कि आलसी होने के बाद भी उनके 2 बच्चे भी हैं। मुझे नहीं लगता है कि मुझे उनके बारे में कुछ कहना चाहिए। आप ही तालियां उनको बुला लेंगे। जोरदार तालियां राजेंद्र मालवी जी के लिए। बढ़िया, इन्होंने माइक वहां नहीं मंगाया। ये अच्छा है, ये अच्छा है। सभी को प्रणाम करता हूं, सभी को प्रणाम करता हूं बाकायदा। सम्राट इन्फॉर्मेशन का ये समारोह है। एक दो बार पहले भी आया हूं इसमें और सम्राट इन्फॉर्मेशन की तरफ से 2-4 लाइन आपको सुना दूं जी। उसके बाद में आप जहां बोलोगे वहां ले चलूंगा। क्या बात, जैसे बोलोगे वैसे ले चलूंगा। क्योंकि मैं ऐसी भी लिखता हूं, वैसी भी लिखता हूं और वैसी भी लिखता हूं। अच्छा अच्छा अच्छा, वैसी के लिए। ओ सुनिएगा साहब, वो जानता था तीर चढ़ा है कमान पर, सच बात फिर भी आ गई उसकी जुबान पर। बहुत अच्छे साहब, सम्राट इन्फॉर्मेशन की ओर से कह रहा, वो जानता था तीर चढ़ा है कमान पर, सच बात फिर भी आ गई उसकी जुबान पर, और जो लोग लेकर आए हैं फूलों की बारिशें, पत्थर जरूर बरसे हैं उनके मकान पर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सुनिएगा साहब, बात वहां से शुरू करता हूं कि मैं जिंदगी की हकीकत आपको इतनी आसानी से बता नहीं सकता। वाह, सुनना साहब जी, अगर वाकई कविता सुनने बैठे हैं, पहले तो मैं उनको बधाई देता हूं जिन्होंने इतनी बढ़िया गीत और गजल अभी यहां पर प्रस्तुत। बहुत अच्छे। कविता कविता होती है यार, कविता कविता के ढंग से निकल करके आती है जी। कि वो कि मैं जिंदगी की हकीकत आपको इतनी आसानी से बता नहीं सकता, क्योंकि 1 क्विंटल का बोरा जो मजदूर अपनी पीठ पर उठाता है वो उसे खरीद नहीं सकता, और जो खरीदता है वो उठा नहीं सकता। बहुत अच्छे, बहुत प्यारा, बहुत अच्छे भाव जी। कविता जैसी बात निकल करके आती है, हम ले लेकर के आते, बोले हंसी मजाक की बात, हास्य कवि शशि मैडम को प्रणाम करता हूं बाकायदा। और हमारे पांडे जी नजर नहीं आ रहे हैं, कहां हैं? मैं बार बार उनसे कहता हूं यार, दिलीप कुमार की उम्र के हो फिर भी अमिताभ से भी छोटे लगते हो। ये उनका कमाल है भाई, कैसे कैसे उम्र को संभाल के रखा है। तब कहता हूं कि उम्र के फूल सूखेंगे, बिखर जाएंगे, क्या पता इन हवाओं में किधर जाएंगे। उम्र के फूल सूखेंगे, बिखर जाएंगे, क्या पता इन हवाओं में किधर जाएंगे, याद रह जाएंगे बस यही 2-4 पल जो आपके साथ मोहब्बत में गुजर जाएंगे। बहुत अच्छे। अभी बढ़िया बढ़िया बात कर रहे थे तमाम, आसाराम से लेके हमारे सुरेश मिश्रा, आसाराम से लेके और राधे माँ फलाना ढकाना ढन 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 डन डन डन। मैं तो इतने में जाता नहीं था, 2-4 लाइन में ही बात करता हूँ, लंबे में जाता नहीं, आलसी आदमी हूँ, होकट की बात करता नहीं। आसाराम बापू ने पूरी कोशिश कर ली, पहले राम जेठ मलानी को वकील बनाया, जमानत दिलवा दो, वो भी सिंधी, वो भी सिंधी, बड़ी कोशिश की, जमानत नहीं मिली। फिर सुब्रमण्यम स्वामी आए, फिर भी जमानत नहीं मिली। आसाराम ने सबको हटा दिया, हटो, मैं डायरेक्ट ट्राई करूंगा। और आसाराम बापू ने दोनों हाथ जोड़कर, आसाराम बापू ने दोनों हाथ जोड़कर जज साहब से कहा कि हुजूर थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दो, हुजूर थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दो, जमानत भले ही मत दो, कम से कम महिला जेल में शिफ्ट करा दो। क्या बात है, जोरदार दिल से एक बार।
बहुत अच्छे। जमानत भले ही मत दो, कम से कम महिला जेल में शिफ्ट करा दो। तो जज साहब बोले, आसाराम जी आपकी तबीयत इतनी क्यों फड़फड़ा रही है? आसाराम जी आपकी तबीयत इतनी क्यों फड़फड़ा रही है? थोड़ा इंतजार करो, राधे माँ इसी जेल में आ रही है। बहुत अच्छे भाई, जोरदार है भाई। बढ़िया। तब यहाँ से वहां तक सब आलसी हैं बार बार लगे, दो तीन बार आलसी हैं, आलसी हैं, आलसी हैं, आलसी हैं, आलसी हैं, आलसी हैं, फिर भी इनके दो बच्चे हैं, बार बार बोल रहे हैं। अब मैंने कहा मैं उतना आलसी नहीं हूं, उतना आलसी नहीं हूं, सच्चाई है। दुनिया जिस गति से अपन नहीं भाग पा रहे, बोले आलसी आलसी, फिर भी इनके दो बच्चे। मैंने कहा यार बच्चे तो भगवान की देन है, उसमें अपना क्या योगदान? और अगर अपने योगदान से होते तो दिलीप कुमार के भी होते। क्या बात है, बहुत अच्छे। ओ भगवान की कृपा से हैं तो दो हैं, अगर अल्लाह के फजल से होते तो बहुत अच्छे। बात तो ताली की है यार, ढंग से बजे। ओ उतना आलसी नहीं हूँ, सच्चाई है। दुनिया जिस गति से भाग रही है अपन नहीं भाग पाते। अब दुनिया इतने तेज भाग रही, मीडिया उससे भी आगे, इधर घटना घटी, इधर समाचार हाजिर, तो है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, घटना घटी समाचार हाजिर, घटना घटी समाचार हाजिर। कई बार तो घटनाएं इंतजार करती हैं कि समाचार बने तो मैं घटूं। बहुत अच्छे। इतना मामला आगे जा रहा है, मैं तो रेलवे में नौकरी करता हूँ, रिजर्वेशन काउंटर पर बैठता हूँ, 100 साल का आइटम आया। अच्छा, नहीं लोग कितने एडवांस में जा रहे हैं, 100 साल का आइटम आया, बोले 7 सितंबर 2017 मेरा रिजर्वेशन कर दो। मैंने कहा काका कहाँ जाओगे? बोले शादी की गोल्डन जुबली है, गया जाना है। अच्छा है, बहुत अच्छे। मैंने कहा 17 तक टिके रहोगे? अरे बोले टिके रहे तो ठीक, नहीं तो गया तो जाना ही है। यार जोरदार बजा यार, क्या बात है। और सारी बात छोड़ करके साहब एक कविता आपको सुनाता हूँ, नई कविता, एक दो बार और पहले भी आपने मुझे सुना है। लता हया जी आ गई है, बम्बई है, फिल्मों की नगरी है, माया नगरी है, यहाँ पर साहब फिल्में बनती है, और फिल्में बनती है तो यहाँ पर गाने भी बनते हैं। ओ गाने ऐसे ऐसे बनते हैं, यहाँ से लेके वहाँ ऐसे ऐसे गाने बनते हैं। अब अपन गाने लिख सकते नहीं, अपन आलसी आदमी। मैंने कुछ नहीं किया, 30 गानों को आपस में मिला दिया और कविता बन गई। और इस कविता का शीर्षक है प्यार मोहब्बत का प्यार और शादी के बाद के झगड़े। ये कविता का शीर्षक है। मैं दावे के साथ कहता है एक एक लाइन में आपको मजा आएगा। पांडे जी भी आ गए क्योंकि वो भी समझ गए थे मैं नई कविता सुना रहा हूँ। एक बार जोरदार तालियां बजाकर नई कविता देता हूँ साथ में। सारे मित्र लोग सुनना नई कविता, नई कविता सारे मित्र लोग सुनना। हमारी बड़ी पुरानी टीम है साहब, 35 साल मुझे कवि सम्मेलन करते हो गए, 2000 कवि सम्मेलन मैं कर चुका हूँ, और 400, 500, 600, 700, 800 कितने बम्बई में किए मुझे याद नहीं। और हमारे बड़े भाई धमचक मुल्तानी, जरा सुनते जाओ, धमचक मुल्तानी बैठे जो 40 साल का कवि सम्मेलन की जिनकी यात्रा है, जिन्होंने 40 साल कवि सम्मेलन के संघर्ष को किया, बैठे हैं। और कविता की बारीकी को सुनना साहब, कहाँ कहाँ से उठा के कहाँ कहाँ से बात लाया। प्यार मोहब्बत का प्यार और शादी के बाद के झगड़े। जवानी की उमंगें जब अंगड़ाई लेती है तो लड़का गाना गाता है, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू। अच्छा उधर लड़की भी तैयार रहती, वो भी गाना गाती, आजा आई बहार,
दिल है बेकरार, ओ मोरे राजकुमार तेरे बिन रहा ना जाए। तो भगवान दोनों की फरमाइश सुन लेता है और उनको आपस में मिला देता है। अब जब वो आपस में मिलते हैं तो लड़का गाना गाता, तुम अगर साथ देने का वादा करो मैं यूं ही मस्त नगमे सुनाता रहूं, तुम मुझे देखकर मुस्कुराती रहो मैं तुम्हें देखकर गीत गाता रहूं। बाप पीछे से लात मारता, धंधे पे कब जाएगा। मगर साहब वो मामला थोड़ा थोड़ा बन जाता है तो लड़का लड़की से कहता है, बाद में दूसरे दिन लड़की भी जवाब देती है, तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवाय, तुमको हमारी उम्र लग जाए। पूरा गाने में काम चल रहा है, तुमको हमारी उम्र लग जाए। लड़का कन्फर्म हो जाता, दूसरे दिन बाहर निकल के घोषणा कर देता, शादी के लिए रजामंद कर ली, मैंने एक लड़की पसंद कर ली। क्या बात है, क्या बात है, उड़ती चिड़िया पिंजरे में बंद कर ली। अच्छा लड़की भी खुश, मिल गए आज मेरे सनम, आज मेरे जमी पर नहीं है कदम। और दूसरे दिन सवेरे 9 बजे लड़की लड़के से कहती, इसीलिए 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 मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। और 15 दिन बाद बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया। क्या बात है, सुन लेना यार, कविता का एक अलग तरह का आनंद है। और शादी के बाद पहली रात जब वो उसका घूंघट उठाता है, गाना गाता है, चांद सी महबूबा हो कभी कब मैंने ऐसा सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। लड़की भी बड़ी खुश, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, और कोई मेरी आंखों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो। और उधर चिल्ला के बोलती, मैं तो भूल चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे, कोई महके को दे दे संदेश, पिया का घर प्यारा लगे। और शादी के 5-6 साल बाद बस पति परेशान, पत्नी से वो गाना गाता, चांद जाने कहां खो गया। क्या बात है, चांदनी को ये क्या हो गया। अच्छा पत्नी भी परेशान, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। भाई जोरदार, और कई पत्नी तो ज्यादा गुस्से में कह देती, ऐसी दुल्हन से कुंवारी भली थी, सैया निकल गए मैं ना लड़ी थी। हर पत्नी ये कहती, मैं ना लड़ी थी। जितने मेरे दोस्त भाई बैठे हैं सब जानते लड़ता कौन है, क्या ढंग से बजा दे। सैया निकल गए मैं ना लड़ी थी, और रोज लड़ती और धमकी देती, माय के चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, माय के चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, माय के चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। अपन देखते ही रहते हैं, वो माय के जाती नहीं, सिर्फ धमकी देती। माय के नहीं जाती, सिर्फ धमकी देती, अपन देखते रहते हैं। और उसकी धमकी से खुश होकर पांडे जी से लेकर राजेंद्र मालवी तक सब एक ख्वाब देखते हैं, वो गाना गाते हैं खुश होके, जब तू माए के जाएगी वो सुबह कभी तो आए। जोरदार यार, बात पहुंचे तो आशीर्वाद देना साहब, बहुत अच्छे। जब तू माए की जाएगी वो सुबह कभी तो आएगी, मगर वो जाती नहीं, यही बैठी रहती अपनी छाती पे और इंतजार करती लड़के के जवान होने का, क्योंकि वो जानती लड़का जवान होगा तो मेरे ही फेवर में रहेगा, बचपन से घुटी पिला दी। और जब लड़का जवान हो जाता है
फिर वो गाना गाती है, आ देखें जरा अजय जिसमें कितना है दम। आदमी बेचारा, आदमी एक ही गाना गाता है, कोई हमदम न रहा कोई सहारा न रहा। मगर आदमी ऐसा मर्द है, उसको गुस्सा आता है, वो गुस्से में कहता कि इससे पहले के याद तू आए मेरी आंखों में फिर लहू छाए, तुझसे रिश्ता में तोड़ जाऊंगा, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा। और चल देता सब कुछ छोड़ के, कारोबार हो फैक्ट्री हो, सुरेश जी भी निकल लिए उस दिन। मैंने कहा कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? बोले यार कुछ नहीं जमता, अपन तो चलो उधर ही हिमाचल में कभी सम्मेलन करेंगे। और आदमी जाने भी लगता है साहब, कई बार आप भी निकल लिए होंगे, कोई ऐसा नहीं बचा जो इस झगड़े से बचा हो, और नहीं बचा हो तो जोरदार ताली बताओ कि सब निकल लेते हैं। और आदमी चल देता है साहब, मगर आदमी की तकदीर खराब, फिर गाना आता है, और ये गाना अगर फिट बैठ जाए तो मुझे बताना कि मैंने कोई काम किया है। आदमी निकल लेता, फिर गाना आता है, वहां कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहां, दम ले ले घड़ी भर ये ठिया पाएगा कहां। फिर आदमी सोचता है कि जीना यहां मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां। क्या बात है, बहुत अच्छे। और हर शादीशुदा आदमी अपनी पत्नी के दोनों हाथ जोड़ के एक ही बात कहता है कि जी चाहे जब हमको आवाज दो, हमें यहीं, हम थे यहां, बहुत अच्छे, इसके सिवा जाना कहां। और ये सोचकर बेचारा आदमी वापस लौट आता है, और वहां रे मेरे देश की संस्कृति, इसी तरह लड़ते झगड़ते प्यार मोहब्बत करते ये पूरा जीवन गुजर जाता है। बहुत अच्छे, ये पूरा जीवन गुजर जाता। ये कविता मैंने इसलिए सुनाई कि मेरी शादी को भी 32 साल हो गए, 32 ईयर। ऐसे ऐसे जवाब सुनने को मिले कि फीमेल शब्द से नफरत हो गई। अच्छा, फीमेल शब्द से नफरत नहीं हुई, फीमेल शब्द से नफरत हो गया। गई भी क्यों बोलू भाई, जोरदार यार, पॉइंट की बात है, बढ़िया है। वो तो इन्होंने वहां पे रोका, पांडे जी ने बांद्रा में, हाँ, बोले वो फलानी होटल है उसमें रुक जाना। मैंने कहा नहीं रुकूंगा। बोले क्यों? मैंने कहा होटल स्त्रीलिंग है। बोले फिर कहाँ रुकवाए? मैंने कहा गेस्ट हाउस में रुकवाओ। गेस्ट हाउस में रुका, फिर उन्होंने गाड़ी भेजी, बोले कार भेज रहा हूँ आ जाना। मैंने कहा नहीं आऊंगा। बोले क्यों? मैंने कहा कार स्त्रीलिंग है। बोले फिर क्या भेजू? मैंने कहा ऑटो भेजो, ट्रैक्टर भेजो। इन्होंने ऑटो भेजा, ऑटो वाला मुझसे बोला, बोले साहब आप कहाँ के हैं? मैंने कहा बेटा शादी को 32 साल हो गए, कहीं का नहीं रहा भाई। जोरदार यार, समय बहुत बढ़िया। मैंने कहा शादी को 32 साल हो गए, कहीं का नहीं रहा? बोले साहब जो कहीं के नहीं होते वो जनता के होते। मैंने कहा मैं जनता का भी नहीं हो सकता। बोले क्यों? मैंने कहा जनता स्त्रीलिंग है। बोले फिर आप किसके हैं? मैंने कहा श्रोताओं का हूं। बोले क्यों? मैंने कहा श्रोता पुरलिंग है। क्या बात है, बढ़िया बढ़िया। भाई ऐसे ऐसे मामले ऐसे ऐसे सुनने को मिले। क्या हुआ, 2-3 दिन पहले यमदूत मेरे घर आया, बोला राजेंद्र मालवे मुझे तुम्हारे प्राण चाहिए जस्ट। मैंने अपनी पत्नी को सामने खड़ी करके कह दिया भाई साहब लेडीज फर्स्ट। अच्छा, उसे देखकर यमदूत घबरा गया। अच्छा। बोला यार इसे सामने से हटाओ,
मैं इसे देखकर डर रहा हूँ। मैंने कहा यमदूत मेरे बाप, मैं इस खतरनाक आइटम के साथ 32 साल से गुजारा कर रहा। बहुत अच्छे। बोले तू ऐसे ही गुजारा कर, तेरे को मारने की क्या जरूरत। बहुत अच्छे। बोले तू यहीं मर, अपन यहीं पड़े हुए भावनाओं में बह जाते, जाने क्या क्या कह जाते, बाद में समझ में आता मामला बड़ा गड़बड़ हो गया। एक दिन क्या हुआ, मैं घर में ही भावुक हो गया। अच्छा। मैंने पत्नी से कहा सुनो, वो बोली क्या, मैंने कहा इधर आ। बोली क्या बात है, मैंने कहा देखो मैं कवि हूँ और तुम ही मेरी कविता हो, तुम ही मेरी कल्पना हो, तुम ही मेरी प्रेरणा हो, तुम ही मेरी साधना हो और तुम ही मेरी आराधना हो। इतनी बात सुन के वो भी भावुक हो गई। बोली सुनो, मैंने कहा क्या, बोली तुम ही मेरे महेश हो। अच्छा है, बहुत अच्छे। तुम तुम ही मेरे महेश हो, तुम ही मेरे रमेश हो, तुम ही मेरे दिनेश हो और तुम ही पूना वाले उमेश हो। बहुत अच्छे। अब क्या है, पूना में उसका मायका है, अपन समझ गए मामला क्या है। उस दिन से फीमेल शब्द से नफरत हो गया। उस दिन से अब तो बाजार में जाता हूँ नाश्ता करने, दुकानदार को 20 रुपए देता हूँ और उससे कहता हूँ 2 कचौड़ा दे दे। अच्छा, कचौड़ा। दुकानदार कहता साहब कचौड़ा नहीं कचौड़ी है, फिर मैं उससे कहता हूँ तू जलेबा दे दे। बहुत अच्छे। वो कहता साहब जलेबा नहीं जलेबी है, खा लो गरम गरम है, मीठी है, रस भरी है। मैं कहता नहीं खाऊंगा। बोले क्यों, मैंने कहा जमेल जलेबी फीमेल है। बोले काहे की फीमेल है साहब, गरम गरम है, मीठी है, रस भरी है, खाते क्यों नहीं। नहीं खाऊंगा। बोले क्यों, मैंने कहा फीमेल है। काहे की फीमेल, अरे मैंने कहा बड़ी सिमिलैरिटी है। बोले काहे की सिमिलैरिटी साहब, मैंने कहा देख पहली सिमिलैरिटी तो तू ही बता रहा कि ये गरम है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और दूसरी भी तू ही बता रहा है ये रस भरी है। और तीसरी भी तू ही बता रहा है कि ये मीठी है। और चौथी अगर मैं बता दूं तो मुझे लगना चाहिए कि मैं कुछ आपको बता रहा हूं। और मैंने कहा तीसरी भी तू ही बता रहा और चौथी मैं बता दूं, कितनी भी कोशिश कर लो फीमेल और जलेबी कभी सीधी नहीं होती। क्या बात है, बहुत अच्छे। कभी सीधी नहीं हो सकती। सवेरे सवेरे सब्जा मंडा गया। अच्छा, मैं ताली तो भाई। सवेरे सवेरे सब्जा मंडा गया। इधर 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 तू इधर तू इधर इधर है ना। फोकट खड़े हो के हंस रहे, अभी पेमेंट लोगे पांडे जी से। काम नाम कुछ करना नहीं, कविता सुन रहे। तुमको मालूम है प्रोग्राम सुनने के 2000 रुपए की टिकट लगती है। फोकट खड़े हम धाम कुछ करें। सवेरे सवेरे सब्जा मंडा गया। दुकानदार से पूछा मेहता का भाजा है क्या। मेहता। दुकानदार बोला था मेहता का भाजा नहीं है, मेथी की भाजी है। मैंने कहा ये बताया गोवा क्या भाव दिया। बोले साहब गोवा नहीं गोभी है। अच्छा, मैंने कहा गोवा को मार गोला मिंडा दे दे। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वो तो लोग मजे लेते रहे थे मेरे से, अभी पूछ रहे थे धमचक मुल्तानी मेरे बाजू बैठे कुर्ता पजामा पहन के ऐसे बैठे जैसे बारात में आए। पूछ रहे थे, बोले यार उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री का नाम है पता। मैंने कहा माय बता। बहुत अच्छे। बोले सूचना प्रसारण मंत्री का नाम जानते हो ना। मैंने कहा अंबा का सोना। बोले फालतू बात छोड़ो, ये बताओ
कांग्रेस पार्टी को एक सूत्र में किसने बांधा? मैंने कहा सोना या गांधा। क्या बात है, बहुत अच्छे, जोरदार तालियां होनी चाहिए, जोरदार तालियां। हाँ हाँ, और मामला समझ में आया हो तो ढंग से ताला बजाओ। क्या या या, हाँ बहुत अच्छे। और एक कविता सुना करके साहब मैं अपनी बात को जाकर के वापस, एक कविता सुनाता हूँ साहब, बहुत बढ़िया कविता मेरे मन की है। एक बात मैं कहता हूँ कि साहब जब हम बड़े जितने भी यहाँ बैठे हैं कि अपनी मेमोरी 5 साल की उम्र से शुरू होती है, जब हम 5 साल के होते हैं। सबको याद होगा अपने पिताजी अपने को स्कूल में जमा करने गए थे, जमा 5 में, है ना, उतना तो सबको याद है। और उसके बाद अगर बीबी बहुत बढ़िया काजू किशमिश पिस्ता बादाम बढ़िया बढ़िया टाइप का आइटम खिलाए तो 80 साल तक वो मेमोरी ठीक ठाक रहती है। और 80 के बाद भी जिसकी मेमोरी बढ़िया चलती तो वो कांग्रेस के जमाने में प्रधानमंत्री बनाने के काम आता है। अच्छा है, अच्छा है। मगर 5 साल से 80 साल के बीच में हम क्या करते हैं, किस उम्र में क्या होता है, ये साहब कविता हंसी मजाक की नहीं है, ये दिल की कविता है, दिल से निकल कर आपके दिल तक पहुंचेगी, इस बात का मैं दावा करता हूं। क्या बात, सुनो साहब। हाँ, 5 और 10 बचपन में गुजर जाते हैं, 15 और 20 समझ में नहीं आते। 5 और 10 बचपन में गुजर जाते हैं, 15 और 20 समझ में ही नहीं आते हैं, और तुम्हें हक है 25 और 30 में तन तनाते रहो, मगर 35 और 40 में समझदार तो बनो। क्या बात है, 35 और 40 में समझदार तो बनो, 40 की उम्र कोई कच्ची नहीं होती और इस उम्र की बदमाशियां अच्छी नहीं हो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छी बात। 40 की उम्र कोई कच्ची नहीं होती, इस उम्र की बदमाशियां अच्छी नहीं होती, बल्कि ये उम्र अच्छे रास्ते पर चलना सिखाती है, 45 और 50 जिंदगी के अनुभव देकर जाती है। वाह बहुत अच्छे, 45 और 50 जिंदगी के अनुभव देकर जाती है, 55 पलट पलट कर बचपन में झांकता है। मैं भी अभी नया नया 55 साल का हुआ। हाँ, एक बार तालियां बजाइए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कविता की बारीकी देखिए साहब, कविता ऐसी भी होती है। हाँ, 55 पलट पलट कर बचपन में झांकता है, हमारे हमारे प्रमोद तिवारी कहते हैं कानपुर वाले, याद बहुत आते हैं गुड्डे गुड़ियों वाले दिन, 10 पैसे में चूरन की 2 पुड़ियों वाले थे। वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हमारे प्रमोद तिवारी कहते हैं, हाँ, याद बहुत आते हैं गुड्डे गुड़ियों वाले दिन बचपन में, याद बहुत आते हैं गुड्डे गुड़ियों वाले दिन, 10 पैसे में चूरन की 2 पुड़ियों वाले दिन। तो 55 पलट पलट कर बचपन में झांकता है, और 60 छाती पर खड़ा होकर अब तक की कमाई का हिसाब मांगता। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे मालवीय जी। भाई हंसी मजाक की बात अलग है, कविता अगर दिल से निकल कर दिल तक पहुंच रही हो तो एक बार जोरदार तालियां बजाओ। 55 पलट पलट कर बचपन में झांकता है, और 60 छाती पर खड़ा होकर अब तक की कमाई का हिसाब मांगता है, और सबको अपनी अपनी कमाई का हिसाब मिल जाता है, मगर कुछ ऐसे बदनसीब होते हैं यहाँ तक आते आते जिनका साथी बिछड़ जाता है। वाह बहुत अच्छे, 55 पलट पलट कर बचपन में झांकता, 60 छाती पर खड़ा होकर अब तक की कमाई का हिसाब मांगता, और 65 का प्यार पूरे परिवार पर बरसता है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा नाती है, ये मेरा पोता है, माफ करना दोस्तों, 65 के उम्र में यही होता है। क्या बात है, बहुत अच्छे। 65 का प्यार पूरे परिवार पर बरसता है,
70 बेचारा फिर भी सहारे को तरसता है। वाह वाह, 70 बेचारा फिर भी सहारे को तरसता है, 75 अकेला पश्चाताप करता है, अकेला पश्चाताप करता है, अनेक 80 समझाकर कहता है अब पश्चाए होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत। क्या बात है, पश्चाए होत का।